क्या हो गया भाई, बहुत परेशान दिख रहा है। हाँ भाई परेशान हूँ, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। अरे तू तो नौकरी ज्वाइन किया था ना। नौकरी से भी कोई पैसा नहीं बच रहा है, अभी फालतू का पैसा जा रहा है। तो फिर अभी क्या करना चाहता है फिर पैसा? अभी खुद का करके कुछ तो पैसा कमाना चाहता हूँ अभी फिलहाल। अभी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता मैं। अच्छा हाँ भाई, मेरा ना एक दोस्त है, उसकी ना यहाँ पे कंपनी में, मतलब वो कंपनी में काम करता है। उसके पास मैंने सुना था कि उसके पास में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कम पैसे में शुरू हो जाते हैं और पैसा भी तेरे को बहुत अच्छा कमा के देंगे। अगर तेरे को सच में कुछ करना है पैसा कमाने के लिए, ये परेशानी से बाहर निकलना चाहता है, तो चल अब भी चलते हैं और वहाँ पर जाके बात करते हैं। ठीक है चलो जाइए। पहले माले पे कंपनी है, पूरा ऑफिस है लोग का, ऊपर गोडाउन है और यहाँ पे देखो एक से एक बिजनेस आइडिया मिलेंगे। पूरी तो पूरी बड़ी दिख रही है। अरे भाई तू अभी देखेगा ना, देख हम लोग अभी आ गए, ये है इनका ऑफिस। हाँ भाई देखा कंपनी? देखा यार, वो दोस्त कहाँ है तेरा, उसको बुला ना। अरे यार वो कहाँ है? जिशान, जिशान आया हूँ मैं यहाँ पर। अरे यार हम लोग तेको मिलने के लिए आए, तू कहाँ गए यार? कैसा आना हुआ? अरे यार ये अपना दोस्त है सोहेल, और इसको कुछ तो भी धंधा डाल के देने का है, मतलब अभी ये परेशान है थोड़ा पैसे से। अच्छा तो पैसा इसके पास में लगाने के लिए ज्यादा है नहीं, तो कम बजट में कोई बिजनेस बता देना यार, तुम लोग के पास तो इतने सारे बिजनेस हैं। अरे यार सच में बहुत गोल्डन मौके पर आया है तेरा दोस्त। क्यों भाई? बहुत बढ़िया मशीन लॉन्च की A1 मशीन है इसने। क्या बात कर रहा है? पूरे इंडिया में धूमधड़ाके से बिक रही है अभी। तो यार अपने दोस्त को भी दिखाना हो मशीन तो बता देता हूँ, क्या है उसके अंदर, अगर करेगा तो दो पैसे कमा लेगा तो वो भी खुश रहेगा। बराबर है, बता दे भाई मेरा, नीचे होके आता हूँ। चलेगा चलेगा बताता हूँ। तो भाई आपको बिजनेस करना है? हाँ मुझे बिजनेस करना है। तो कितना बजट है आपका, कितना पैसा आपके पास बिजनेस करने के लिए? ज्यादा तो नहीं है, 10 से 15 हज़ार है। 10 से 15 हज़ार है जी। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, हमारे पास इससे कम में भी बिजनेस शुरू हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ आप ये बड़े बड़े मशीनें मत देखो, हमारे पास एक नई मशीन लॉन्च हुई है जो बहुत कम पैसों में आपको मिलने वाली है। भाई मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ, इतनी सारी मशीनरीज रखी हुई है यहाँ पर, लेकिन किस चीज की कौन सी मशीनरीज है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ तो चलो सबसे पहले हमारे पास जो मशीन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बताइए। उसके बाद हमारी मेन मशीन की ओर जाते हैं। ठीक है बताइए। तो यहाँ पर यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये सॉफ्टवेयर आइसक्रीम मशीन है, 1.5 लाख से शुरुआत है। उसके बाद यहाँ पर ये पॉपकॉर्न मशीन है इलेक्ट्रिक जी जी। उसके बाद वो गैस वाली पॉपकॉर्न मशीन है बड़ी। उसके बाद इस साइड में ये नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन है, विदाउट बिजली की सोडा बना सकते हो जी जी। यहाँ पर ये बॉटल प्लस पाउच है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पाउच बना सकते हो। यहाँ पर ये बैंड सेलर मशीन है। ये क्या काम करती है बैंड सेलर? ये पैकेजिंग करती है, जो आप मिर्ची वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं ना जी जी, वो उसको सील करती है जी जी। यहाँ पर ये अटलांटिस की कॉफी मशीन है जी जी। और यहाँ पर ये ग्लास पैकिंग मशीन के 3 मॉडल्स है, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक, ऐसे ये 3 मॉडल्स हैं जी जी। और ऊपर देखोगे हाँ, ये पूरे पाउच पैकिंग मशीन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं ये भी जी जी जी। हाँ तो इतने सारे देखिए, ये इतने सारे हैं हाँ, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है हाँ, A1 मशीन है इस कंपनी ने ना हाँ, एक अभी बहुत ही सस्ते रेट में और बहुत ही बढ़िया मशीन लॉन्च की, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे आप महीने के बड़े आसानी से ना 40 से 50 हज़ार कमा लोगे। ठीक है बताइए मुझे। तो देखो भाई A1 मशीनरीज कंपनी ने ये मशीन लॉन्च किया अभी, नया मॉडल है ये जी जी। और इसी मशीन से ना आप महीने के बड़े आसानी से 50-60 हज़ार रुपए कमा सकते हो जी जी। क्या सर इतनी सी मशीन महीने का 50-60 हज़ार रुपए कमा कर देगी? हाँ ये छोटी सी मशीन, मजाक तो नहीं कर रहे हो रहा है ना, लेकिन डेली की A1 मशीनरीज कंपनी ये मशीन 15-20 सेल कर रही है। क्या बात, और पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हो सर, क्योंकि ये जो मशीन देख रहे हो ना ये स्टेनलेस स्टील से बनाई गई, देखिए बढ़िया फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पर ये देखिए, आपको झूठ लग रहा होगा, A1 मशीनरीज कंपनी का लोगो है और कस्टमर केयर नंबर भी है। आपने बताया स्टील से बने हुए, लेकिन ये मशीन बनाती क्या है सर जी, पता तो चलना चाहिए ना। अरे सर इस मशीन से ना आप बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न बना सकते हो। पॉपकॉर्न? क्या सर इतनी छोटी मशीन में इतने पॉपकॉर्न बनेंगे? थिएटर में देखा है वो मशीन तो अलग दिखता है, ये मशीन अलग है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो आपने थिएटर में मशीन देखी है ना हाँ, वो 50-60 हज़ार रुपए की आती है। तो जो थिएटर में मशीन रहती है सर जी पॉपकॉर्न, 50-60 हज़ार में आती है, वो क्वालिटी वैसी देती है, आपकी मशीन वैसी क्वालिटी देगी? अरे क्या बात कर रहे हो सर, कहां पर आप 50-60 हज़ार रुपए डालते हो, ये छोटी सी मशीन खरीदो सस्ती है, उससे बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न बना करके देगी। मुझे यकीन नहीं आता है सर जी कि ये पॉपकॉर्न वैसी बनाएगी, मुझे ऐसा ही लगा था आपको यकीन नहीं होगा। चलिए
बना करके बताता हूँ इस मशीन से लाइव आपके सामने। ठीक है, बनवा कर दिखाइए और मुझे चलाना आएगा ना? नहीं, मुझे चलाने तो आएगा ना, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ ना चलाना कैसे है, आप लोगे या नहीं मुझे बताओ फिर उसके मैं लूंगा, लेकिन जिस तरह थिएटर में पॉपकॉर्न बनता है ना उसी तरह बनना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के बन जाएंगे। ठीक है, बना कर दिखाइए। चलिए तो देखो भाई, मैं पूरी जानकारी देता हूँ कैसे मशीन वगैरह सेटअप करना है। अब ये जो मशीन है ना ये गैस पर चलती है, ठीक है, ये पाइप मशीन के साथ में आता है। 5 kg का सिलेंडर लेना है, ऐसे पाइप वगैरह लगा देना है इसको, यहाँ से ऑन करना है। अब ये जो मशीन है एवन मशीन है इसकी, ये 2 पार्ट में बनाई गई है। तो ये बाउल है इसके ऊपर का, इस बाउल को सबसे पहले ऐसे इस साइड में झुका देना है। गैस पर चलती है तो लाइटर की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से गैस को सबसे पहले ऑन करना है, ये गैस ऑन हो चुका है। फिर से इस बाउल को ऐसे रखना, देखिए कितना आसान है। अब ये बाउल हीट होता रहेगा 2 मिनट तक। इतना समझ में आ गया आपके? हाँ, आ गया समझ में। अब पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो एक बार बताता हूँ। बताइए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना आपको ऐसे मकई की जरूरत पड़ती है जी। ये जो मकई है ये आपको बड़े आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगे जी। और आपको यहाँ पर देखिए नमक है, यहाँ पर ये ऑयल है और यहाँ पर ये हल्दी है। सबसे पहले आपको एक ग्लास लेना है, और ग्लास में आपको सबसे पहले मकई लेना है। ये आपने मकई ले ली जी। उसके बाद आपको इसके अंदर ऑयल डालना है। ये ना आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम ज्यादा जी। ये ऑयल डाल दिया और इसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है। अभी हल्दी डाल दी हमने थोड़ी, और इसको ऐसे मिक्स करना है अच्छे से। ठीक, नमक भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इतना आ गया आपकी समझ में? हाँ, आ गया। अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसको डालना है मशीन के बाउल के अंदर। तो जब तक आपने ये बना लिया होगा तब तक आपका ये जो बाउल है ना ये अच्छे से गर्म हो जाएगा जी। अब फिर इसको क्या करना है, ऐसे बाउल के अंदर ये डालना, देखिए ऐसे, और उसके बाद ना मशीन के बैक साइड में ये मशीन बैटरी भी आपको इस मशीन के साथ में आएगी जी। यहाँ पर एक स्विच मिलता है, इसको ऐसे नीचे कर देना है, देखिए उसकी मदद से ना इसके अंदर जो रोटेट करने वाला होता है जो घूमता है जी, वो ऐसे घूमता रहेगा और आपके मकई को अच्छे से मिक्स कर देगा। आ गया आपके समझ में पूरा? आ गया। उसके बाद इस कैप को ऐसा बंद कर देना है। अब ये हो गया सारा सेटअप। अब सिर्फ आपको 1 मिनट रुकना है और आपके पॉपकॉर्न बन करके यहाँ पर ये जो ट्रे देख रहे हो ना जी, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक गिरेंगे। ठीक है, और आप देखना अच्छे तरीके से कितने बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न बना करके देती है। ठीक है, आप खुद यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो भाई अभी 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए ये पॉपकॉर्न बन करके ऑटोमेटिक निकल रहा है। आप देखिए, आप सिर्फ देखते रहिए यहाँ पर, क्या इतने बढ़िया पॉपकॉर्न बन रहे हैं इसमें, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सर जी। ये मशीन लॉन्च की है, देखिए कैसे बनाती है मशीन, देखिए। हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बना रही है। हाँ, क्वालिटी देखिए आप कैसे बन रहे पॉपकॉर्न। बिल्कुल सर, जैसे थिएटर में मैंने देखा था वैसा ही पॉपकॉर्न बन रहा है इसमें तो। हाँ, एवन मशीन इस कंपनी ने बनाई है ना इसको, बहुत ही बढ़िया मशीन है सर जी। आप इसको घर अपने घर में भी लगा सकते हो, और अगर आपको बस स्टैंड पर इधर उधर लगाना है तो आप वहां पर भी लगा सकते हो, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है जी जी। देखिए अब जैसे ऐसे पॉपकॉर्न बनेंगे ना तो थोड़ा सा आपको गैस वगैरह जो है कम करना है इसका। अब देखिए सारे पॉपकॉर्न बन चुके, उसके बाद आपको ऐसे गैस बंद करना है यहाँ से जी। सबसे पहले अब इसके मशीन के अंदर का भी आपको ऐसे बंद कर देना है। अब यहाँ पर ये जो हैंडल मिलता है ना इसको ऐसे पकड़ करके ये निकालना है आपको ऐसे। वाह बढ़िया सर जी, एक मकई भी नीचे नहीं बचा है, पूरा का पूरा पॉपकॉर्न बना है सर जी, एक भी नहीं बचेगा। देखिए कितने बढ़िया क्वालिटी के। टेस्ट कैसा है सर जी इसका? बहुत बढ़िया टेस्ट, आप खा करके देखिए ना, एक दो खाओगे तो नहीं पता चलेगा सर इतने डाली आप, एक दो खाओगे तो नहीं पता चलेगा इतने डाली आप। अरे वाह सर जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये तो पॉपकॉर्न। अब आपको 50-60 हजार रुपए डालने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई पॉपकॉर्न तो इतने बढ़िया बन गए जी, लेकिन इसको कहाँ पर बेचू, कैसा पैसा कमाऊ, कहाँ से 50-60 महीने का कमाऊ? अरे बहुत आसान है, बताओगे कैसे बेचना है आपको बताइए। ये जो पॉपकॉर्न बनाया आपने, आपने समझो अपने घर में बनाया आपने। हाँ, बनाया तो आपको क्या करना है, ऐसा पैकेट लेना है अभी। हाँ, अभी पैकेट, और इसके अंदर आपको और एक मशीन की जरूरत पड़ती है,
ये एक सेलिंग मशीन है, ये भी आपको हमारे पास से मिलेगी जी। A1 मशीन है इससे जी, ये आपको लेना है। और अब ये जो पैकेट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको देखिए ऐसे पॉपकॉर्न भरना है थोड़े से, देखिए एकदम पूरा अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे करना है, बहुत आसान है। तो ये पैकेट कितने में जाएगा अभी? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको, रुकिए जरा। कितना भरना है इसको सर? अब देखिए आप अपने हिसाब से भर सकते हो, ऐसे भरना है कि ये सील हो जाए ऊपर से। जी जी जी, अभी भर दिया। हाँ। अब ये जो पैकेट है ना, इसको मैं सील करता हूँ सीलिंग मशीन से, देख उस पर सील होगा सर? हाँ, इससे सील होता है, देखिए ऐसे करना है। अच्छा। और ऐसे रख करके इसको ऐसे प्रेस कर देना है, ये देखिए ये ना सील हो गए। अच्छा सर, तो इसको हम कितने में देंगे? अब ये जो पैकेट है ना, ये आप बड़े आसानी से 15 से 20 रुपए में सेल करते, आपने देखा होगा ना थिएटर में इतने से पॉपकॉर्न 50-100 रुपए के मिलते हैं जी। तो आप ये भी ना बस स्टैंड पे ऐसे दुकानदार वगैरह को ना बड़े आसानी से 15 से 20 रुपए में सेल कर सकते हो। अब हमने ये जो बनाए पॉपकॉर्न, ये हमने लगभग 500 ग्राम के बनाए, आधा किलो। हाँ, तो इसके अंदर आप ऐसे 25 बना सकते हो, आधा किलो में 25। हाँ, मान लो कि ये जो 1 किलो मकई है, इसके अंदर आप कितने बना रहे हो? 50 बना रहे हो ना। तो ये 1 किलो आपको मकई 100 रुपए के मिलते हैं, 100 रुपए। तो 100 रुपए में आप बड़े आसानी से 500-600 रुपए बना सकते हो जी। जी भाई, तो मुझे मशीन, आपका मशीन और बिजनेस आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, तो सर आप मुझे इसका प्राइस बताइए, मुझे मशीन लेना है। तो जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था ना कि आपके पास 12 से 15 हजार ये जी जी, ज्यादा नहीं सिर्फ 15 हजार देना है। ठीक है सर, चलिए मैं आपको मेरी मशीन पैक करवा दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इन्होंने तो मशीन खरीद भी ली और पूरा पेमेंट कर भी दिया, ये यहाँ पर आए थे तो इन्होंने फुल पेमेंट किया है। अगर आपको इस मशीन को इंडिया के किसी भी कोने में मंगवाना है तो आप थोड़ा सा एडवांस बुकिंग अमाउंट दे करके आप इस मशीन को मंगवा सकते हो। नीचे आपको इतने सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, आप बेझिझक होकर के कॉल कर सकते हो और मशीन को मंगवा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे इसी बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।